सब उम्मीद है, सब खैरियत होंगे। आज के जो पॉइंट है हमारा जी पत्नी जी जो सदर समुद्र से 13,600 मीटर की नदी पर है, तो इसका अभी आगे जा रहे हैं कि इसका एग्जास्ट पहले हम बताते हैं कि एग्जिट कहाँ से करना है। पानी एग्जिट में देखें हमारे सामने से ये यहाँ से पानी एग्जिट होता है इसका, और इस तरह यहाँ से अगर आप देखें बहुत सारी जगह से जो आपको जगह नजर आएगी जहाँ से पानी की एंट्री है। अब वो पानी कहाँ से आते हैं चश्मे, और इसके साथ साथ यहाँ बर्फ़ के वो जिसे हम उनको जबान में नीली बोलते हैं, ये साला साल बर्फ़ रहती है, वैसे नीली तो हम अपने इस छोटे ग्लेशियर से इसको बोला जाता है। और टॉप से लेकर यहाँ पूरे इसको अगर आप देखें तो टॉप पर भी आपको बर्फ नजर आएगी, नीचे इस तरह जगह जगह बर्फ, और इसका जो मंबे है वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है हमारे लिए, और ये बर्फ़ की वजह से ये जगह पहाड़ों के दरमियान में, और साथ साथ अगर आप देखें तो ये रेड सा जो नज़र आ रहा लाल से ये जड़ी बूटियाँ जो बहुत सारे चीज़ों के काम आती हैं, लेकिन चूँकि मौसम ऑफ होता जा रहा है तो इस वजह से ये लाल होती जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं सर्दी की वजह से, और सर्दी की वजह से ये जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं लाल हो रही हैं। हालांकि मौसम का देखा जाए अभी अगर हम नीचे की तरफ जाएँ तो गर्मी है, लेकिन वहाँ तो ग्रीनरी मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ अगर आपको ग्रीनरी से नहीं मिलेगी क्योंकि सर्दी की वजह से ये ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको साथ साथ ये पत्थर डेली पसंद आएगी, और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, और पूरी फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं। हालांकि ये बंद है, ये अगर आप नगर से आएँ या आप लवात से आएँ तकरीबन आपका 3 से 4 घंटे का सफ़र बनता है, और वहाँ से जो ट्रैक है वो सारे का सारा जो है ना वो ट्रैक आपको जो नज़र आएगा वो ट्रैक सारे का सारा जो है ना आपको 4x4 दिखेगा, और दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको उसके अलावा कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, तो ट्रैक के साथ आपको जंप खड़े तो सही लगेंगे, लेकिन उस जंप खड़ों को बर्दाश्त करने के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे कि आपको वो सारा कुछ सब कुछ भूल जाएगा। उम्मीद है इस तरह आपको दूसरी जगहों पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। रत्ती गली का आपको पहले ही बता चुके हैं, पतलियां झील का भी हो गया है, अब इंशाल्लाह हम आपको लेके जाएंगे शहर गली की तरफ जहाँ बहुत सारी छोटी झीलें हैं जो इंशाल्लाह आपके हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। और मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पहुँचने में मदद की, अकील साहब हैं, माजद साहब हैं, और बहुत सारे जो हमारे साथ इकराम भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो अभी हमसे थोड़ा सा दूर रह गए हैं। तो आप लोग भी अपना ट्रिप बनाइए, 3 बार कह रहा हूँ ट्रिप बनाइए, ताकि आप भी इस कुदरती चीज़ को देख सकें। ये कोई मसनू नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से एक हमारे लिए गिफ्ट है। और एक मेहरबानी आप सब लोग यहाँ पे जो भी आए वो ये करें कि यहाँ पे जो बोतलें ये कचरा ना फेंका करें, ये हमारे लिए एक कुदरती चीज़ थी, लेकिन इसको हम आस्ता आस्ता ना अपनी जो एक इंसानों को जो काम है ना एक अच्छा काम होता है एक शताना वाला काम होता है, शताना वाले काम से हमें बचना चाहिए कि यहाँ पर शॉपर जो भी गारबेज हैं बोतलें हैं इस तरह की चीज़ें वो नहीं फेंकनी चाहिए। ये कुदरती चीज़ है, इसको कुदरत ने इसको जिस तरह बनाया है, अगर हम इसमें और कोई ऐड नहीं कर सकते लेकिन कम अज़ कम ये कचरा भी ऐड ना करें ताकि ये ना हो गया तो खूबसूरती को ख़त्म कर दें, बस साथ साथ यहाँ पत्थर और ये सारा कोई भर जाए और बोतलों से पता चले कि यहाँ झील बहुत गिरती थी किसी ज़माने में, आज वहाँ क्या है बोतलें आपको नजर आए। तो ये इस ये मेहरबानी कीजिएगा। दूसरा यहाँ पे बेस कैंप भी है आपको पतलियाँ का, बेस कैंप तकरीबन 15 से 20 मिनट की, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग है आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी, तो इस हाइकिंग के बाद समझ लें कि आप जितनी और थकावट होगी वो सारी आपकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये कौन सा आपको नज़र आ रही है, इस तरह आप अगर हंजा की तरफ जाते हैं स्कर्टों की तरफ जाते हैं वो चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह खूबसूरती और किसी जगह पर नहीं रखी, हर जगह की अपना खूबसूरती का एक हर जगह पे अल्लाह ताला ने हर एक एरिया को उसी तरह का बनाया होता है कि जहाँ के लोगों के हिसाब से, तो यहाँ के लोग ही बड़े मेहमान नवाज हैं। आप ट्रिप बनाइए और इंशाल्लाह आप इनको मेहमान नवाज ही पाओगे, लेकिन आते हुए गाड़ी का आपने मेंटेनेंस लाजमी करवाना है कि वो चीज़ें देख कर आएँ आप, ये ना हो कि आपके लिए मुश्किल पैदा हो, यह सारी चीज़ें आपने कवर करनी है
किसी हादसे से अल्लाह ताला सबको बचाए, तो हादसा पेश ना आए। तो मेरा कैमरा मैन जो है वो आपको मेरे साथ आएगा, वो आपको ये चीज़ें दिखाएगा कि कहाँ की जाएगी। कैमरा ऑन है। अच्छा जाएं। ज़रूरत है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक की तरफ आपको लेके जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।